मोल फ्रैक्शन ए एंड बी दो कंपोनेंट्स हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ये होता है, ये हमको आता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, टोटल मोल्स नीचे आ जाता है। ठीक है, अब अगर ए और बी दोनों गैसेस हो जाए और वो दोनों एक ही वेसल में, ए को मैं सर्कल से डिनोट कर रही हूँ, बी को पॉजिटिव से, इन अ पर्टिकुलर वेसल, अगर वेसल सेम है तो यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है, सेम वेसल में है दोनों, एक पर्टिकुलर वेसल में यू हैव ए एंड बी बोथ एट द सेम टेम्परेचर एंड द वॉल्यूम इज सेम, वॉल्यूम तो वेसल ही कॉन्स्टेंट है तो वो भी सेम है, टेम्परेचर मैंने सेम रखा है क्योंकि गैसेस के लिए यू हैव टू स्पेसिफाई द सेम टेम्परेचर, अदरवाइज दे वुड एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट, तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, इसीलिए टेम्परेचर हैज टू रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक है, नाउ टोटल प्रेशर इसके अंदर किसका होगा? टोटल प्रेशर विल बी, ए का भी प्रेशर होगा और बी का भी प्रेशर होता है। प्रेशर होता क्या है बेटा? प्रेशर एक गैस का द नंबर ऑफ हिट्स दैट दे डू ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, वॉल्स ऑफ द कंटेनर में कितने उन्होंने हिट्स मारे वो इज द प्रेशर, मोर द हिट्स मोर इज द प्रेशर। तो जब भी प्रेशर की बात करेंगे ना गैस के, हमेशा ये याद रखना हिट्स ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इज द प्रेशर, इज दैट ओके? ये बात हमेशा रखेंगे। फोर्स एक्सर्टेड इज फाइन, फोर्स कब एक्सर्ट होगा? जब मॉलिक्यूल हिट करेंगे, और मॉलिक्यूल हिट करेंगे तभी तो फोर्स एक्सर्टेड होगा, वो फिजिक्स के लिए ठीक है बेटा। हमारे लिए प्रेशर क्या है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, द फोर्स विल बी एक्सर्टेड ओनली इफ दे हिट द वॉल्स। सो टोटल प्रेशर इज प्रेशर ऑफ ए एंड बी, ए भी हिट कर रहा है और बी भी हिट कर रहा है, टोटल प्रेशर ए का भी प्रेशर और बी का भी प्रेशर, इसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, इसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। टोटल प्रेशर अगर 2 bar है, ए का प्रेशर 0.8 है तो इसका 1.2 bar होगा, क्योंकि टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ द हिट्स मेड बाय ए एंड बी, इज दैट ओके? आगे बढ़ते हैं। सो टोटल प्रेशर इज रिटन एज पी ए प्लस बी। ठीक है, नाउ पे अटेंशन, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हिट्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, ये बात मैंने अभी अभी समझाई। नंबर ऑफ हिट्स किस पे डिपेंड करेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने मॉलिक्यूल्स उतने हिट्स। सो नंबर ऑफ हिट्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन द प्रेशर, एंड नंबर ऑफ हिट्स किस पे डिपेंड करेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ मोल्स। कोई दिक्कत? प्रेशर डिपेंड्स ऑन द हिट्स, हिट्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स ऑन मोल्स, सो द प्रेशर कैन बी डायरेक्टली रिलेटेड टू मोल्स। आर वी क्लियर ऑन इट? प्रेशर एक्सर्टेड कैन बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ मोल्स, सो यू कैन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कॉम्पोनेंट इन अ गैशियस सिस्टम इन अ क्लोज्ड वेसल बाय देयर प्रेशर रेशियो ऑल्सो। You can calculate the mole fraction of a particular gas in a mixture of gas in a constant vessel at a particular temperature by the ratio. आप ratio of pressures भी ले सकते हैं instead of moles का ratio जो कि हम normally लेते हैं for gases. You can also use this particular formula. कोई दिक्कत? Done. With this we end the class.